नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग आज का बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त होने वाला है, इस ब्लॉग को आप लोग जरूर देखिएगा। तो मेरा नाम अजीत और आप देख रहे हैं अजीत सिटी ब्लॉग। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। चलिए आपको बता दें कि यहाँ पर जानकारी के मुताबिक 5 अक्टूबर 1880 को यहाँ पर भाप इंजन द्वारा मतलब यहाँ पर संचालित रेल जो चली थी यहाँ पर पहले मतलब चली थी। और आपको बता दें कि आज से मतलब आज पूरा हो गया है, कम से कम हम जहाँ तक लगभग 141 साल मतलब पूरा हो चुका है। और यहाँ ताड़ीघाट के नाम से मतलब यहाँ पर विख्यात है, लोग जानते हैं। बताते हैं कि इस स्टेशन मतलब इस ताड़ीघाट को पहले टेरी घाट के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर मतलब फूलों का सुगंध जैसे एक गुलाब का महक बहुत मतलब यहाँ पर खेती होता था, तो लोग यहाँ पर आते थे, बहुत मतलब अच्छा सुगंध होता था। फूलों की खेती मतलब नहीं होता है, गुलाब वगैरह का सुगंध यहाँ पर महकता था, लोग बताते हैं। जब ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर को पता चली तो उन्होंने यहाँ पर मतलब यहाँ का ख्याति सुनकर उन्होंने यहाँ पर अपना कदम रखा, मतलब यहाँ पर आए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। 6 माह के प्रवास के बाद 28 कविताएं लिख चुके थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और यही नहीं, स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पर आ चुके हैं। विवेकानंद का भी मतलब यहाँ पर आवागमन हुआ था इसी स्टेशन के माध्यम से, और स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पर आ चुके हैं। और जानकार बताते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के यहाँ पर ननिहाल के कुछ ऐसा ही कुछ बताते हैं लोग था यहाँ पर गाजीपुर में। गाजीपुर के वीरों की धरती के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के मतलब जो ताड़ीघाट है गंगा नदी किनारे है और ताड़ीघाट के नाम से ही जाना जाता है। और हम इस टाइम है ताड़ीघाट रेलवे स्टेशन। तो हम आपको बता दें कि जानकारी मुताबिक ताड़ीघाट से और दिलदार नगर के बीच चलने वाली ट्रेन एक ही है और दिन में 3 से 4 बार आती और जाती है। और 5 अक्टूबर 1880 को टेरी प्रशासनिक ने इस स्टेशन का शुभारंभ किया था। तो चलिए हम आपको और आगे बताते हैं और आगे क्या हुआ। आपको बताते हैं कि जो टेरी नामक व्यक्ति थे उन्हीं के नाम पर यहाँ का टेरी नाम मतलब विख्यात हुआ, मतलब नाम पड़ा था टेरी घाट। अब तो नाम बदल कर रख दिया गया है ताड़ी घाट। तो चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं कि ताड़ी घाट नाम कैसे पड़ा। इस वक्त जिला मुख्यालय ताड़ी घाट को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जिसके लिए बाकायदा
उन्होंने उसी वक्त 8,500 का टेंडर रखा गया था जो कि पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि कारण ये था कि उस समय आंदोलन चल रहा था, आंदोलन की वजह से ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो सका। तो फिर आए जो है केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद प्रोजेक्ट में आए तो पटेल आयोग में भी शुमार हुआ था। पटेल आयोग संस्तुति के अनुसार रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा इसी रेल मार्ग को मौजूदा जिला मुख्यालय रेल मार्ग बनाकर जोड़ने का कार्यक्रम इसी समय में अभी मतलब चल रहा है। तो हम बता दें आपको कि इस स्टेशन पर एक व्यक्ति नहीं, दो दो महान व्यक्ति आए थे। यहाँ पर एक बाबा थे जिनका नाम था पवहारी बाबा। पवहारी बाबा से मिलने के लिए विवेकानंद भी यहाँ पर आए हुए थे, जो कि इस स्टेशन पर ताड़ीघाट पर मतलब यहीं पर आए हुए थे मिलने के लिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं उनके बारे में। यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद का आवागमन हुआ और ज़िले के पवहारी बाबा का मतलब ज़िले में ही नहीं, वो ज़िले में ही विख्यात नहीं थे, उनको मतलब देश के कोने कोने में भी लोग जानते थे पवहारी बाबा को। तो उनसे मिलने के लिए स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर आए हुए थे। और तो यहाँ से जो है कि इस स्टेशन पर उतरे और यहाँ से उतरने के बाद यहाँ से इक्का पकड़े। इक्का मतलब कि जो है कि टांगे बोलते हैं जिसको, टांगा। और यहाँ से पकड़े और पकड़ने के बाद गाजीपुर में कुर्था नामक एक गांव है जहाँ पर बाबा का आश्रम है, वहाँ पर गए मिलने के लिए, जो कि कई दिनों तक रुके वहाँ पर, बाबा से मुलाकात नहीं हो पाई। कुछ कारण था, पता नहीं क्या था। चलिए आओगे आपको भी बताते हैं क्या कारण। में व्यवसाय करने के लिए गंगा में कुछ कोई साधन नहीं था, केवल नाव उस टाइम चलती थी और यही एक मार्ग था जो कि व्यवसाय करने के लिए। और इस वजह से मेरा मानना यह है कि यहाँ पर पहले मतलब गुलाब की खेती होती थी, जो कि उसकी सुगंध बहुत मतलब विख्यात था। उस सुगंध को सुनकर अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे व्यक्ति, अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ पर गाजीपुर में आए थे और इस स्टेशन पर उतरे। और यहाँ पर जो है कि गुलाब की महक बहुत विख्यात था, उसको सुनकर रविन्द्रनाथ टैगोर भी यहाँ पर आए हुए थे। बता दें कि एक किताब है जो कि अंग्रेज ने लिखा था, और उसमें यह किताब में लिखा था कि गाजीपुर के हर गली और चौबारे में से गुलाब के खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। खुशबू को सुनकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाजीपुर की यात्रा की थी। तो आपको कैसा लगा? हमें तो अच्छा लगा। दोस्तों मैं आया था यहाँ पर ब्लॉग शूट करने, ब्लॉग शूट कर लिया हूँ, अब चलता हूँ आगे की तरफ और आगे देखता हूँ आगे का नज़ारा क्या है और कैसे है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं आगे का नज़ारा। तो यूँ
तो दोस्तों आपको हम बता दें कि उस समय में मतलब उस ज़माने में जो व्यापार का साधन था वो यही था, गंगा जी में नाव के थ्रू उस पार से इस पार व्यापार होता था, क्योंकि उस टाइम में ब्रिज नहीं बना हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि क्यों ना व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन का निर्माण कर ही दिया जाए। तो उस टाइम में स्टेशन का निर्माण हुआ था ताकि हमारा व्यापार मतलब बढ़ावा हो सके। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर खड़े हैं और यहीं से उस पार मतलब लोग माल लेकर जाते थे आते थे ताकि व्यापार मतलब अच्छा चल सके। तो हमने आपको दिखाया और उस टाइम के बाद जो है कि यहीं शुरू, और ये जो ब्रिज बन के तैयार हो रहा है इसका श्रेय श्री माननीय मनोज सिन्हा जी को जाता है। तो मैं था गंगा जी के किनारे और देखते हैं पास से चल के कैसे दिखते हैं गंगा जी। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं और देखते हैं हम भी। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको भी। ये हम आ गए हैं नाव पे और इस पर केवल मैं और मैं हूँ और इस पर और कोई नहीं हो सकता। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए पास से मोबाइल ना गिर जाए।